भगवान भोलेनाथ राम कथा सुना रहे हैं पार्वती को। ही पार्वती, कल आपने सुना भरत चले चित्रकूट किस लिए? राम को मनाने। देखो एक बात बताएं आपको हम बहनों भाइयों, भरत चरित्र बड़ा विशेष चरित्र है मानस का। विस्तार से तो इसे सुनाना बड़ा मुश्किल है। माँ सरस्वती जी ने भी तो ये कह दिया है कि भरत चरित्र को सुनाने में मैं असमर्थ हूं। भगवान भोलेनाथ महाराज कहते हैं कि भरत चरित्र को गाने में मैं भी असमर्थ हूं। बड़ा विचित्र प्रसंग है, समय का बहुत अभाव है। मेरी इच्छा थी कि मैं भरत प्रसंग भरत चरित्र थोड़ा विस्तार से गाऊं, लेकिन समय का अभाव है, लेकिन गाना भी पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दिया जाए। आपकी इच्छा है तो भरत चरित्र गुनगुनाते हैं। तमसा प्रथम दिवस करवासु दूसर गोमत तीर निवासु। संत यात्रा चित्रकूट की तरफ जा रही है। तमसा प्रथम दिवस करवासु, प्रथम दिवस में तमसा नदी के किनारे तक पहुंचे। दूसर गोमत तीर निवासु, और दूसरे दिन गोमती नदी के किनारे पर पहुंच गए। और फिर आगे एक दोहा में बताया, पय आहार फल असन एक निस भोजन कर लो। पय आहार फल असन एक निस भोजन एक लो। करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण को। करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भो। बताया पय आहार, फल का आहार लेते हैं। फल असन, भोजन में फल लेते हैं और दूध। और भोजन कर लो, निस भोजन कर लो। करत राम हित नेम व्रत, प्रभु से मिलने के लिए नियम ले लिया। ऐसा बताते हैं, दूध पीकर के यदि भगवान का भजन किया जाए, अन्न न खाए, फल खाकर के प्रभु का ध्यान किया जाए, तो वह प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है। वह ध्यान, वह व्रत, वह उपासना। तुलसी बाबा ने दोहावनी में लिखा है, पय आहार फल खाय कितने दिन? सठ मास, छह महीने तक कोई फल खा करके और दूध पी करके रहे और प्रभु राम नाम का जाप करे। तो तुलसी बाबा कहते हैं, मैं साक्षात्कार में गवाही दूंगा, उसे राम जी जरूर मिलेंगे। अब तीसरे दिन सरयू कन्या सरयू के किनारे रुकी, और चौथे दिन हे भवानी संगवेरपुर में पहुंच गए। वहां निषाद से मिलन हुआ। यह समाचार निषाद गुहराज को मिल गया, सो सोच में पड़ गया और विचार आया, कारण कवन भरत वन जाहि कछु कपट भाव मन माही। अरे भरत के मन में कुछ कपट है। क्या कपट है? कि मैं अपना राज्य निष्कपट निष्कंटक करना चाहता हूं, और यह राम जी के साथ में कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है, और यह राम के प्रभाव को नहीं जानता है। आखिर है तो यह केकई का ही पुत्र। अरे विष की वेल पर तो विष का ही फल लगेगा, ना कि अमर फल लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना, यह बड़ा विशेष प्रसंग है। सो उस निषाद ने सब वीलों को इकट्ठा कर लिया, कहा, अरे मेरे वीरों आओ, राम हमारे मित्र हैं, राम हमारे रक्षक हैं, राम परमात्मा हैं, राम हमारे उद्धारक हैं। हम इस भरत को राम जी के पास में नहीं जाने देंगे। और कहा, वीरों तुम ढोल बजाओ,
और भरत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब देखते हैं भरत को कितना वीर है, यहाँ कपट भाव लेकर के आया है। जैसे ही ढोल बजाया बस उसी समय बाई ओर से छींक हो गई। उसी समय एक बूढ़ा भील बोला, अरे यह तो शुभ शकुन है, आप कह रहे हो कि भरत राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है। ना ना, भरत के मन में राम के प्रति कोई कपट नहीं है, यह छींक हमको यह शुभ संदेश दे रही है। ऐसा बताते हैं, सनमुख छींक द्वंद की कारक। आप किसी काम को करने के लिए जाओ और सामने से कोई छींक मार देता है तो वह शुभ नहीं मानी जाती। पीठ पीछे ले सुख संचारक, आप किसी कार्य करने को जाओ और पीठ के पीछे छींक हो जाए तो वह सब शुभ शकुन माना जाता है। और छींक दाहिनी द्रव्य विनाशक, दाएं हाथ की तरफ से कोई छींक मारता है तो वह द्रव्य विनाशक, नाश करने वाली होती है। और वाम छींक सो के विधायक, ऊंचे छींक शोक की सूचक, निम्न भाग की भय प्रदायक, अपनी छींक गमन की कारक, भावी ही खतन विचारक। ऐसा है, ये बाई ओर से छींक हुई है, ऐसा लगता है ये शुभ सूचक है, इसलिए ऐसा लगता है कि भरत राम जी से युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे। बोले, और बोले ऐसा लगता है कि राम जी को मनाने के लिए आए हैं। राम है भरत मनावन जाहे, सगुन कहे अस विग्रह नाही। ऐसा करो, पहले भरत की परीक्षा कर लो। वृद्ध भील ने कहा, बोले परीक्षा कैसे की जाए? बोले तीन प्रकार का भोजन ले लो, तीन थालों में तीन प्रकार का भोजन रखो, एक थाल में पशु पक्षी और एक थाल में मांस और मछली, पशु पक्षियों का मांस रखा एक में और एक में मछली आदि उनका मांस रखा और एक में फल फूल रख लिए। और कहा पशु पक्षी वाला जो मांस वाला यह थाल है, इसको यदि वह स्वीकार करता है तो इसमें रजोगुण प्रधान है और राजा का भाव जो है दूसरे की छीनने की तरफ जाता है, सो यह छीनने के लिए आया है। और मछली वाला थाल यदि यह स्वीकार करता है तो समझ लेना इसमें तमोगुण प्रधान है, फिर तो ये युद्ध करने के लिए आया है। और फल फूल वाला थाल यदि स्वीकार करे तो समझ लेना वह मिलने आ रहे हैं। देखो एक बात है, पहले व्यक्ति की पहचान भोजन से होती थी, अब भोजन से पहचान नहीं होती। आज संबंधों की पहचान नहीं होती, पहले भोजन से मनुष्य की पहचान होती थी।